स्वागत है आपका ट्रैवल राज्य चैनल में। आज हम आपको एक प्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ पर ले चलेंगे, कोटेश्वर महादेव मंदिर अंबाजी। यहाँ पर आजू बाजू आप देख रहे सुंदर आरस की मूर्तियां बनाने वाले और बेचने वालों की दुकानें। यहाँ पर ज्यादातर व्यापारी आरस की मूर्तियों का मंदिरों का होता है। यहाँ से गुजरात, राजस्थान सभी जगह ये मूर्तियां जाती है। तो आज हम आए हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर, जो 52 शक्तिपीठ में से एक अंबाजी यात्रा धाम में, अंबाजी से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर ये कोटेश्वर यात्रा धाम, कोटेश्वर महादेव मंदिर अति प्राचीन मंदिर है ये। और कहा जाता है कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी का आश्रम इसी मंदिर के पास था। और ऐसी भी किंवदंती है कि महाराणा प्रताप ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ये पहाड़ों के बीच बसा ये सुंदर यात्रा स्थल और इस मंदिर की बनावट हमें यहाँ एक शांति का अनुभव दिलाती है। ऐसे सुंदर पवित्र यात्रा स्थल कोटेश्वर महादेव में कहा जाता है कि माँ सरस्वती का यहाँ पर आपको दर्शन होंगे, क्योंकि यहाँ बाजू ही कुंड में से, जंगल में से माँ सरस्वती के यहाँ पर दर्शन आपको करने को मिलेंगे। यहाँ पर माँ सरस्वती बहती है और ये मंदिर पुराणों से और काफी प्राचीन मंदिर है। अभी तो ये पूरा जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, लेकिन इसे बहुत प्राचीन कहा जाता है। जब से यहाँ के माँ अंबाजी के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, तो यहाँ पर कोटेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन बहुत जरूर करते हैं। यहाँ से जो गौमुख से निकलता पानी और यहाँ जो बाजू में ही कुंड बना हुआ है, यहाँ पर लोग स्नान करके पवित्र होते हैं। और ये सुंदर पहाड़ियों के बीच में बना ये सुंदर यात्रा धाम कोटेश्वर महादेव का मंदिर आपको हम दिखाने ले आए हैं। ये गौरीकुंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, गोमुख, जो लोग स्नान करके अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। यहीं पर ये हमारी वीडियो खत्म करते, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।